हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा है और आज के इस सत्र में मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर लेके आई हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि लाल किले की प्राची से 15 अगस्त के अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री जी गर्व से एक बात कह रहे थे, और वो ये बात थी कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि भारत में ही स्वदेशी रूप से निर्मित तोप जो है इस बार यूज किए गए हैं 21 तोपों की सलामी करने के लिए। और ये बात उन्होंने अपने भाषण में कई बार कही, तो ये किसी भी देश के लिए बहुत गर्व की बात होती है जब वो अपने सुरक्षा के क्षेत्रों में खुद से स्वनिर्मित नई नई चीज़ों को का प्रवेश करवाती है। भारत हम जानते हैं कि कुछ सालों से स्वदेशी हर तरह की जो भी रक्षा उपकरण है उनको स्वदेशी रूप से निर्मित करने की कोशिश कर रही है। उस फील्ड में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं और उसी क्षेत्र में एक नया आयाम जो है भारत का वो है ATAGS सिस्टम, एडवांस्ड टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसका इस बार प्रयोग किया गया है लाल किले पे 15 अगस्त के परेड में 21 तोपों की सलामी के लिए। आइए हम जानते हैं कि ये जो सिस्टम है ये क्या है और इसका क्या क्या जो है विशेषता है, हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। ये जो ATAGS सिस्टम है ये सिस्टम इंडिजिनस है, स्वनिर्मित है, जो 155 मिलीमीटर इंटू 52 कैलिबर हॉर्ज गन है। ठीक है, अगर हॉर्ज गन बात करें कि हॉर्ज क्या है, तो हॉर्ज एक लंबे नाल के बंदूक है, लंबे नाल के तोपों को की एक पूरी श्रेणी को जो है हॉर्ज कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो है ये निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इस गन का निर्माण जो है आर्टिलरी गन का DRDO, आपके जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके द्वारा जो है इस चीज को निर्मित किया गया है। साथ ही उनके साथ एक पुणे में स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE, इन दोनों ने मिलकर जो है इस चीज को निर्मित किया है। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है, जो ATAGS गन बनाने का प्रोजेक्ट है, ये नया नहीं है, बल्कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में ही DRDO के द्वारा कर दी गई थी, और जिसका मकसद था कि इंडियन आर्मी में जो पुराने तोप यूज हो रहे हैं, जो कि 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन थे, उनको जो है पुराने तोप जो है उनको नए वाले 155 मिलीमीटर के जो लेंथ है, जो चौड़ाई है, जो गोलाई है, उससे उसके उतने गोलाई वाले तोपों से बदल देना, और इसके साथ ही ATAGS के इंडक्शन के साथ ही जो है ये सपना DRDO का पूरा कर लिया गया। अब जो है इसके कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम बात की रहेंगे। तो पहली विशेषता इसकी ये है कि ये जो ATAGS सिस्टम है ये बैरल ब्रीच मैकेनिज्म, मजल ब्रेक और रिकॉइल मैकेनिज्म के साथ फायर कर सकता है। ठीक है, साथ ही इसको लंबी दूरी के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 155 मीटर का कैलिबर यूज किया गया है। ठीक है, इस वजह से क्या है कि इसका जो एक्यूरेसी है, जो इसकी सटीकता है ना, और जो इसका प्रिसीजन है, मतलब लक्ष्य पर बिल्कुल सीधा जाके भेदने का जो उसका प्रिसीजन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये गन से जो क्या है कि भारतीय थल सेना को एक सटीकता मिली है अपने दुश्मनों को लंबे दूरी तक मारने की। दूसरा क्या है, इसमें सभी तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो कि मेंटेनेंस फ्री है, मतलब इस तोप को किसी भी तरह के बार बार ठीक करना, रिपेयर करने, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। और इस कारण क्या है कि लंबे समय तक इन तोपों पर हमारी थल सेना जो है वो निर्भर कर सकती है, कि लंबे समय तक ये जो तोप है वो उनके कार्य में आ सकते हैं। और भी कुछ विशेषताएं हैं इसकी जिसके बारे में हम बात करते हैं। अगली जो विशेषता है आपके इस तोपों की, वो विशेषता ये है कि इसमें इसके हाई मोबिलिटी है, मतलब पहले के तोप क्या थे कि एक जगह स्थिर हो जाते थे, भारी होते थे, इनमें ऐसा नहीं है, ये बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं।
ठीक है, इनको जल्द से जल्द जहां इनकी जरूरत है वहां ले जाया जा सकता है। ठीक है, इनकी ऑक्सिलरी पावर बहुत अच्छी है, साथ ही इसमें जितने भी हमारे पास नवीनीकरण जो है संचार के उपकरण है वो भी लगे हुए हैं। ठीक है, फिर इसमें ऑटोमेटिक कमांड है, मतलब क्या है कि पहले आपको मानवीय रूप से तोपों को चलाना पड़ता था, इसमें वैसा नहीं है, ये ऑटोमेटिक काम कर सकता है। ठीक है, और रात के समय भी ये सटीकता के साथ जो है इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक है, दिन के समय के साथ साथ रात के समय में भी। अगला और आखिरी फीचर जो है इसमें C4I कमांड लगा है, ये क्या है, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस, मतलब इसमें आप इसको आदेश दे सकते हैं, इसको बांध के रख सकते हैं, इसको आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, इसके साथ बातचीत संचार से आप इसको चला सकते हैं, ये हर तरह के आपके कंप्यूटर उपकरण से जुड़ सकता है और ये दिमाग के साथ काम करता है, मतलब क्या है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है। और ये सब सिस्टम को जो है ACCCS के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको शक्ति कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है किसी भी तरह के आप जो है टेक्निकल फायर कंट्रोल है, आप किसको अभी के बाद किस समय फायरिंग करनी है, किस समय आपको तोप छोड़ना है उसका भी, आप किस समय आपको गोले दागने हैं आप उसका समय फिक्स कर सकते हैं, इसको कहाँ आपको रखना है, कहाँ मूव करवाना है, इसके लिए भी जो है मानव से ज़्यादा आप कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, और इसके साथ ही आर्मी का जो मैनेजमेंट है ना, ये एकदम मैनेजमेंट फ्री टेक्निक है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ठीक है, और इस गन के साथ जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसने हमारी थल सेना की जो पावर है, थल सेना का जो मारक क्षमता है उसको बढ़ा दिया है, दिन के समय ही नहीं बल्कि रात के वक्त भी। ओके, सो इस ATGAS सिस्टम जो है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। धन्यवाद।